दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच चल रही 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 इंटरनेशनल मुकाबला 18 नवंबर को वेलरिव ओवल होबार्ट, जिसको कि निंजा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, होना है। और आज के इस वीडियो में इस अंतिम T20 मुकाबले के लिए हम वेलरिव ओवल होबार्ट का पिच रिपोर्ट लेके आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये पिच कैसा खेल सकती है। वीडियो जबरदस्त है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अब तक आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो आपको बताते चले, सभी मुकाबलों का ऑफिशियल पिच रिपोर्ट और फैंटेसी टीम सबके लिए बिल्कुल फ्री में हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सीधे टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से भी सर्च करके आप जा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें होबार्ट के इस पिच के बारे में, तो यहाँ पर अमूमन हमें बैटिंग फ्रेंडली पिच कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छी बैटिंग पिच होने के साथ साथ अब क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट की पिच है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी खासकर शुरू में थोड़ी सी उछाल और बाउंस मिलती है, लेकिन यहाँ पर अमूमन अच्छे स्कोर के लिए ये पिच जानी जाती है। अब तक इस वेन्यू पर 12 T20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं। 7 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने तो 5 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। इस दौरान पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 164 का देखने को मिला है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के नाम है 213 रन बनाने का, और 213 ऑस्ट्रेलिया 2 बार बना चुकी है। अभी 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 2014 में, लेकिन अभी तक का जो आखिरी मुकाबला हमने 2024 में देखा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने 213 बनाए थे, लेकिन इस बार 7 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ का हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया है 213 रन, तो लोवेस्ट टोटल में वेस्ट इंडीज की टीम स्कॉटलैंड के सामने मात्र 118 पे ऑल आउट भी हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो 12 मुकाबले हुए हैं उनमें पहले इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 से कम 4 बार बनते देखा गया है, 150 से 169 तक का योग भी 3 बार, 170 से 189 तक का योग 3 बार, और 190 प्लस इस वेन्यू पे अब तक 2 बार बनते देखा गया है। जहाँ तक बात दोस्तों बाउंड्री की है, तो यहाँ पर 60 से 75 मीटर के रेंज की डाइवर्सिफाई बाउंड्री हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर स्ट्रेट बाउंड्री 68 मीटर के रेंज की, मिड ऑन मिड ऑफ की बाउंड्री 64 से 72 मीटर, वहीं पर स्क्वायर लेग और पॉइंट की बाउंड्री 60 से 75 मीटर, और बिहाइंड द विकेट 60 से 62 मीटर के रेंज की बाउंड्री हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट मुकाबले की ओर देखें जो कि इस वेन्यू पे हुआ था, तो यहाँ पर 2024 में भी कुछ मुकाबले हुए थे। अंतिम मुकाबला 9 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर 7 विकेट पर 213 रन का बड़ा स्कोर बनाती है। इस दौरान वार्नर की 50 आती है और वेस्ट इंडीज़ की टीम भी यहां पर बढ़िया फाइट पेश करती है। ब्रेंडन किंग 50 करते हैं 53 रन की स्कोर के साथ साथ, यहां पर वेस्ट इंडीज़ 202 तक पहुंचती है, लेकिन 11 रन से ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया था। इससे पहले का जो मुकाबला हुआ था, ये मुकाबले हुए थे T20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान। यहाँ पर जो मुकाबला खेला गया था, सेकेंड लास्ट मुकाबला जो कि अब तक का इस वेन्यू का हुआ था, साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे 24 अक्टूबर 2022 को, और ये मुकाबला दोस्तों बारिश की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था। बार बार इसको चेंज करना पड़ा था। 20 ओवर के गेम को पहले 9 ओवर में ले आया गया, फिर 7 ओवर में, लेकिन इसके बावजूद खेल कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ पर रद्द घोषित कर दिया गया। इससे पहले का जो मुकाबला वो सेम डेट को हुआ था, 24 अक्टूबर 2022 को ही, बांग्लादेश के सामने नीदरलैंड थी। बांग्लादेशी टीम पहले बैटिंग करती है और यहाँ पर गेंदबाजों के लिए अच्छी असिस्टेंट देखने को मिलती थी। बांग्लादेश केवल 8 विकेट पर 144 तक ही पहुँच पाती है और नीदरलैंड की टीम आखिरी गेंद पर जाके 135 पे ऑल आउट हो जाती है और बांग्लादेश ये लो स्कोरिंग थ्रिलर जीत लेती है। इससे पहले का जो मुकाबला खेला गया था, इससे एक दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर 2022 को आयरलैंड श्रीलंका आमने सामने थी। यहाँ पर आयरलैंड पहले बैटिंग करती है, 8 विकेट पे 128 तक पहुँच पाती है 20 ओवर के गेम में, लेकिन श्रीलंका बड़े ही आसानी से मात्र 15 ओवर में 1 विकेट पे 133 करते हुए ये मुकाबला जीत लेती है। तो दोस्तों, ये जो अंतिम 4 T20 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से एक मुकाबला जो वॉश आउट हो गया था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच, इसको अगर हम स्किप करें और अंतिम 3 T20 मुकाबलों की ओर देखें, तो कुल मिला के 6 इनिंग में 42 विकेट गिरे, पहले इनिंग के 23 और दूसरे इनिंग के 19। तेज गेंदबाजी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 24 विकेट का देखने को मिला। पहले इनिंग के तेज गेंदबाजों के नाम 16 विकेट आए, तो दूसरे इनिंग में सिर्फ 8, और स्पिनर्स भी यहाँ पर
17 विकेट लेने में कामयाब रहे, पहले इनिंग में 7 और दूसरे इनिंग में 10 विकेट के रेशियो में। अब दोस्तों इस वेन्यू पर दोनों टीमों का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान को यहाँ पर पहली बार T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेलना होगा। अभी तक T20 फॉर्मेट में यहाँ पर पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो यहाँ पर होस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक इनविंसिबल है T20 फॉर्मेट में। इस वेन्यू पर 4 T20 मुकाबले खेली हैं, 2 बार अपोनेंट टीम इंग्लैंड थी और 2 बार वेस्टइंडीज, और इन चारों ही मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली थी। कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम को यहाँ पर भी मुकाबला जीतने के लिए काफ़ी कसम कस करनी पड़ेगी। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।